नमस्कार मैं हूं आपका दोस्त हरीश गोड़ और आप देख रहे हैं दस सी ए पल्स एक व्यापारी व्यापार करता है या जो व्यक्ति इनकम कमाता है सही रूप से टैक्स चुकाने की सारी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है और यदि उसे सरकार के बनाए टैक्स के जटिल ढांचे को समझने में दिक्कत होती है तो वो मदद लेता है उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से और टैक्स के इस गणित को आसान करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकिन आज चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही विभाग ने क्लाइंट का कंसल्टेंट ना समझकर खुद क्लाइंट समझना शुरू कर दिया है अब व्यापारी की गलती की सज़ा व्यापारी को नहीं बल्कि सीए को दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट आजकल तो बैंक से लेकर छोटे बड़े विभाग भी सी से अलग अलग संदर्भ में सर्टिफिकेट की मांग करने लगे हैं इसे ये समझने की भूल बिल्कुल ना करें कि ये सी के प्रति विभाग के भरोसे को दर्शाता है बल्कि ये किसी भी खामी की दशा में सी को दोषी मानने का विभाग के पास पर्याप्त साधन है किसी व्यापारी का एड्रेस सी स्वयं विजिट करके आए ये विभाग चाहता है जी एस में इनपुट आ रहा हो तो भी सप्लायर की सत्यता को सी चेक करे ये विभाग चाहता है एक जीएसटी रिफंड का सर्टिफिकेट इशू करने पर दो सी कैसे छः महीने तक जेल में रह सकते हैं ये हमने गुरुग्राम जीएसटी केस में अच्छे से देखा है एक व्यापारी या करदाता के द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर सीए उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालता है उसके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करके ही सी अपने ओपिनियन बनाता है कोई सर्टिफिकेट जारी करता है यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि व्यापारी के द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर ही ओपिनियन बनाए जाते हैं तो किसी भी दोष का दोषी सूचनाओं का ओरिजिनेटर होना चाहिए न कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरी ओर विभाग के अधिकारी जिन्हें सरकार से मोटी मोटी सैलरी मिलती है इन्हीं सूचनाओं की सत्यता जांचने के लिए लेकिन वो सत्यता जांच रहे हैं सी द्वारा दिए गए ओपिनियन की उस सर्टिफिकेट की और व्यापारी को दोषी न बनाकर दोषी बना रहे हैं सीए को व्यापारी को रात दिन कानून का खौफ दिखाकर उसे एजुकेट कर सरकार के टैक्स रेवेन्यू जुटाने में सबसे बड़े साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज उसी सरकार और उसके विभागों के निशाने पर हैं आज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक टैक्स प्लानर को टैक्स इवेडर के तौर पर प्रचारित किया जाता है सरकार के मंत्री मीडिया हाउसेस विभाग सभी व्यापारी की कृतियों के लिए सीए को दोषी ठहराने पर उतारू हैं इसलिए जरूरी है एक ऐसा कानून जहां वास्तविक अपराधी को सजा मिले न कि महज पैरवी करने वाले कंसल्टेंट को जरूरी है सीए प्रोटेक्शन बिल जिसकी मांग सीए समुदाय लंबे समय से उठा रहा है लेकिन इंस्टीट्यूट ही इसकी वकालत करने को तैयार नहीं इंस्टीट्यूट तैयार नहीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनवाने को लेकर तो सही बात को कौन कहेगा सवाल वही है आखिर सीए की कौन सुनेगा आपकी इस पर क्या राय है अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें थैंक यू